खबर इंदौर से आ रही है। सालासर बालाजी हनुमान धाम में भी सुलभ दर्शन के उद्देश्य से श्री खाटू श्याम धाम की तरह ही जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण शीघ्र ही किया जाएगा। प्रतिदिन लाखों धर्मालुओं की उपस्थिति के बाद भी किसी प्रकार की व्यवस्था न होना हनुमंत कृपा का प्रभाव है। सालासर बालाजी हनुमान धाम में भी सुलभ दर्शन के उद्देश्य से श्री खाटू श्याम धाम के ही तरह जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण शीघ्र ही किया जाएगा। प्रतिदिन लाखों धर्मालुओं की उपस्थिति के बाद भी किसी प्रकार की अव्यवस्था न होना हनुमंत कृपा का प्रभाव है। यह बात सालासर बालाजी हनुमान मंदिर के पुजारी जेपी जी ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में कही। इस आयोजन में देश के दो सबसे प्रमुख मंदिरों श्री सालासर बालाजी के श्री जेपी पुजारी के साथ खाटू श्याम धाम के पुजारी एवं ट्रस्टी श्री मानवेंद्र सिंह जी चौहान एक साथ शामिल हुए। श्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि खाटू श्याम में श्रद्धालुओं के दर्शन पूर्व की जिगजेग नुमा ट्रेक की जगह सीधे ट्रेक की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण दर्शन जल्दी और सुलभ भी होने लगे हैं तथा प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था भी पुनः बहाल कर दी गई है। श्री चौहान ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि लोगों की मुरादें पूरी होने के बाद एक दूसरे को प्रेरित करने के कारण है। श्री शर्मा ने युवा वर्ग के मंदिरों के प्रति बढ़ते आकर्षण को सनातन धर्म के लिए शुभ संकेत बताया। पुजारी द्वारा स्ट्रीट प्रेस क्लब के सदस्यों को आशीर्वाद के साथ अपने धामों में पधारने का न्योता भी दिया गया। संवाद कार्यक्रम के प्रारंभ में स्ट्रीट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने स्वागत उद्बोधन के साथ स्ट्रीट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा हाल ही में किए गए महाकाल लोक, ओंकारेश्वर एवं ऋषिकेश के धार्मिक पर्यटनों की जानकारी दी। शीघ्र ही सालासर बालाजी एवं खाटू श्याम मंदिरों के दर्शन के लिए शीघ्र ही यात्रा प्रस्तावित है। कार्यक्रम का संचालन संस्कृति कर्मी आलोक वाजपेयी ने किया। अतिथियों का स्वागत एवं स्मारिका भेंट सर्वश्री देव भाटिया, सागर शर्मा, गणेशेश चौधरी, अभिषेक बड़जात्या, विशाल ड्रबलानी, रवि चावला, बंसी लालवानी, बीसी सोनी एवं सुश्री पुष्पा यादव ने किया। आभार प्रदर्शन प्रवीण धनोतिया ने किया। कौन भक्त नहीं होगा, कौन होगा जिसके घर में, जिसके मोबाइल में जरूरत ना हो श्री सालासर बालाजी हनुमान जी। हम सब भक्त हैं और सब वहाँ पर जाने की अभिलाषा रखते हैं। और हनुमान जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम बालाजी महाराज को श्याम बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके हुक्म से, उनके निवेदन से हम यहाँ आए। उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। हम इस माइक के माध्यम से आप सबको ये संदेश देना चाहेंगे श्याम परिवार, सालासर बालाजी के परिवार से, कि हनुमान जी आप सबको, श्याम बाबा सबको स्वस्थ रखे, कृपा बनाए, मौज कराए और आप सभी को अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहे। मौज कीजिए आप। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।